डहरिया डेयरी फार्म LLP सिया पार्क के प्रोजेक्ट अनुमति दिए जाने के संबंध में जिलाधिकारी के विजयंत पांडेन की अध्यक्षता में समिति की बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में संपन्न हुई। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी हर्षिता माथुर GM डेयरी, जिला पशु चिकित्सा अधिकारी सहित संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में डहरिया डेयरी फार्म सिया पार्क को नए प्रोजेक्ट के लिए दिए गए आवेदन पर विचार करते हुए उन्हें नया प्रोजेक्ट लगाने की अनुमति प्रदान की गई। बैठक में जिलाधिकारी ने कहा कि उनके द्वारा दिए गए प्रोजेक्ट को चेक कर लिया जाए जिससे कोई दिक्कत ना आने पाए। इस नोडल डिपार्टमेंट में सर्वेक्षण इसको और सिविल न्यायालय के पावर सीज होकर के सर्वेक्षण के अंदर ही सर्वेक्षण न्यायालय को नहीं होता जो पावर का डिक्लेरेशन दिया गया। सर आप ये जो प्रोसेस आप ये आपको बोलते थे डिक्लेरेशन जैसा कि आपने कार्यवाहक किया डिक्लेरेशन के बाद उसमें इस सर्वेक्षण की नियमावली बनने तक मेरे मतलब सर इसी चीज को प्रोसेस को कैसे किया जाए जन सहभागिता के बिना वो संभव नहीं हो पाता है। इसको करने के लिए सबसे पहले वो सर्वेक्षण समिति गठित की जाने की सर उसमें प्रधान वर्तमान ही अध्यक्ष होगा 5, 7, 9, 11 विषम नंबरों के आधार पर उस कमेटी का गठन होगा। अधिकतम 11 सदस्य हो सकते हैं, 2 सदस्य आपके स्तर से नॉमिनेट हो सकते हैं। ये उसका और इस कमेटी का गठन सर्वे मानो या जो भी उसमें सर्वेक्षी पदेन अधिकारी नामित तो वो करेंगे इसके कार्रवाई पुस्तक भरी जाएगी और कार्रवाई पुस्तक में जो भी कार्य किया जाएगा काम में उसका अंकन किया जाएगा वो भी मतलब जो सर्वेक्षण कमेटी के उपस्थित में किया जाएगा। सर्वे समिति का गठन कार्रवाई पुस्तक ये प्रक्रिया चकबंदी नियमावली में विद्यमान व्यवस्था के तहत किया जाएगा क्योंकि अभी इसकी नियमावली बनी नहीं है, जब बन जाएगी तब उसका रिप्लेसमेंट होगा सर। इसी तरह से इसमें कार्मिक काम करेंगे और उसका उस दिन जनवरी में अंकन करेंगे ये भी चकबंदी नियमावली में दिए गए प्रावधान के तहत बनेगी सर। लेखपाल अपनी दिनचर्या भाई जो कहानी को नियुक्त होगा उसको हर पार्षद दिखाएगा। नायब तहसीलदार सर्वे की डायरी मतलब वहाँ आरओ तक जाएगी सर एआरओ के थ्रू ये उसकी कंट्रोलिंग सिस्टम सर। सर्वे टीम का गठन आपके द्वारा किया जा चुका है जिसमें लेखपाल चकबंदी भी रिकॉर्ड अपलोडेट किए जा चुके मैडम ये रिकॉर्ड उनका पंचायत की संपत्ति का और ये रजिस्टर अपलोडेट है वो जरूर रहेंगे सब बेसिकली ये पूरा कार्य किया इसके पहले इससे हमारा खतरा बनेगा सर राजस्व संहिता के धारा 49 में प्रावधान खतरा बनेगा तो खतरा के तरह होगा दूसरे